भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला रविवार को धर्मशाला के मैदान में खेला जाना है। यह मुकाबला कई मायनों में महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। भारत के उपकप्तान हार्दिक पांड्या अपने चोट के कारण यह मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आखिर उनकी जगह कौन लेगा? इस सवाल पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। मुकाबला धर्मशाला के मैदान में, मुकाबला टेबल टॉप टीम न्यूजीलैंड के साथ, और अपने सबसे जिम्मेदार खिलाड़ियों में से एक की गैर मौजूदगी में। यूं तो भारत के बेंच पर कई ऐसे खिलाड़ी अभी भी बैठे हुए हैं जो अकेले अपने दम पर मैच को अपने नाम कर सकते हैं, जिसमें तीन बड़े नाम हैं सूर्य कुमार यादव, आर अश्विन और मोहम्मद शमी के। अब सवाल यही है कि कल के न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले में इन तीनों में से कौन प्लेइंग 11 में शामिल होगा। खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि प्लेइंग 11 में सबसे मजबूत दावेदार हरपन मौला ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन को माना जा रहा है। रविचंद्र अश्विन प्लेइंग 11 में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार बताए जा रहे हैं। धर्मशाला का इतिहास स्पिनरों की सफलता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में चूंकि धर्मशाला में स्पिनरों को बड़ी सफलता मिली है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत अश्विन के साथ ही न्यूजीलैंड के साथ इस मुकाबले में उतरेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत का प्लेइंग 11 क्या होगा? कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में और उनके साथ सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल होंगे। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उपकप्तान की जिम्मेदारी केएल राहुल को भी दी जा सकती है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी चोटिल है। अपने अंगूठे की चोट के कारण शायद केन विलियमसन कल का मैच नहीं खेल पाए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।